हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। आज हम लोग भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है, जिससे आज हमारा जो हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं इसके बावजूद भी हम खाद्यान्न उत्पादन बड़ी तीव्र गति से नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक लेवल पर जो क्षेत्र हमारा इतना विस्तृत है उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण भारत जो है कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि की वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है कृषि की वर्षा पर निर्भरता है। भारतीय कृषि पर वर्षा पर अधिक निर्भरता है। भारत के पास इतना पर्याप्त मात्रा में भूमि संसाधन है और भूमि संसाधन के होते हुए भारतीय किसान अत्यधिक मात्रा में वर्षा पर निर्भर हैं। भारतीय किसान, जैसा कि आप जानते हैं, 70% कृषि जो योग्य भूमि है, 70% योग्य कृषि योग्य भूमि में वर्षा पर निर्भरता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पर 90% कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो ऐसे कंडीशन में देश में वर्षा पे कृषि का निर्भरता सबसे बड़ा जो पिछड़ेपन का कारण है ये निकल करके आ रहा है, यानी भारतीय कृषि जो पिछड़ी हुई है उसका वर्षा पे निर्भरता है। भारतीय किसान वर्षा पे निर्भर हैं, वर्षा फसलें बो देते हैं, वर्षा हो गई तो फसल अच्छी हुई, नहीं वर्षा हुई तो पूरी की पूरी फसल सूख जाती है और जो किसानों के जो लागत आते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कृषि के वर्षा पे निर्भरता भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं, सेकंड इसी में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, यानी वर्षा पे निर्भरता के कारण, यानी वर्षा की निर्भरता जो 70% है इसी के कारण भारतीय कृषि को क्या नाम दिया गया है, मानसून का जुआ। अब इसके पीछे क्या तर्क है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। तो भारतीय कृषि के मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है कि वर्षा पे निर्भरता है, अगर वर्षा हो गई तब तो फसल अच्छी हुई, अगर वर्षा नहीं हुई तो पूरी की पूरी फसल डूब जाती है, यानी सूख जाती है, नष्ट हो जाती है और किसान जो एक प्रकार से जुआ जैसे खेलता है कि पूरा लागत लगा देता है, वर्षा अगर हो गई तब तो अच्छी फसल हुई, नहीं हुई तो पूरी की पूरी फसल उसकी डूब गई और उसकी लागत भी चली गई। तो ऐसे कंडीशन में एक जुआ की तरह है, इसलिए इसका नाम दिया गया कि भारतीय कृषि को क्या नाम दिया गया, कृषि का जुआ नाम दिया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कृषि जोतों का आकार छोटा। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का सेकेंड स्टेप में जो कारण है, यानी भारतीय कृषि का जोतों का आकार जो है बहुत छोटा है। कृषि योग्य भूमि जो है जिस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं भूमि के, जिसमें ना ट्रैक्टर चलाए जा सकते हैं ना बड़े तरह के मशीनें उसका यूज़ किया जा सकता है, कृषि जोतों का आकार भारत में बहुत छोटा है। तो ऐसे कंडीशन कुछ आंकड़े हम लोग अध्ययन करेंगे, 51% जो कृषि है जिसमें जो भूमि है वो जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, यानी 51% ऐसी भूमि है जो 1 हेक्टेयर से भी कम है, यानी किसानों के पास इस तरह से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो 51% जिनकी संख्या है, यानी जो किसान हैं उनके पास जो 51% भूमि है उन भूमि के टुकड़े जो हैं कैसे हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो ये आंकड़ा है और इस आंकड़ों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कृषि की पारंपरिक तकनीकें। संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में है लेकिन तकनीकी हमारी पुरातन है। आज भी हमारी भारतीय कृषि पद्धति जो है पारंपरिक तरीके से हम कृषि कार्य करते हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, भारतीय किसान जागरूक नहीं है, भारतीय किसानों के पास पैसा नहीं है, भारतीय किसान के कृषि का क्षेत्र जो है बहुत छोटा छोटा है इसलिए वो तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में भारत में कृषि पिछड़ेपन का जो कारण है ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी भारतीय कृषि जो पिछड़ी हुई है उसका कारण क्या है, पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर इसी भूमि पर इसी मिट्टी संसाधन पर अगर हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें तो उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। तो पिछड़ेपन का कारण क्या है, आधुनिक तकनीकों का, पुरातन तकनीकों का प्रयोग, यानी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग न करने के कारण। नेक्स्ट क्रम में है श्रम प्रधान तकनीक, यानी भारतीय कृषि जो है श्रम प्रधान तकनीकी है, यहाँ पे किसान जो कृषक हैं वो श्रम को महत्व देते हैं, पूंजी को महत्व नहीं देते। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। अगर यहाँ पे पूंजी को महत्व दिया जाए श्रम के बजाय तो कृषि क्षेत्र में विकास हो सकता है, उत्पादन अधिक हो सकता है, लेकिन भारत में किसको महत्व दिया जाता है,
श्रम को, पूंजी को अवहेलना की जाती, पूंजी का महत्व नहीं दिया जाता। इसी क्रम में ही उन्नत बीजों का अभाव तथा मांगा होना भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के अगला जो कारण है। यहाँ पे उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है और जहाँ पे उपलब्धता है भी उनके मूल्य इतने ज़्यादा हैं कि भारतीय किसान निर्भर बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, गरीब हैं और वो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का ये भी प्रमुख कारण है। ऐसे कंडीशन के कारण जो है भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट है भूमि पर जनसंख्या का भार में वृद्धि। भारतीय कृषि जो है उस पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में जनसंख्या के दबाव के कारण जो बड़ा क्षेत्र है कुछ वर्षों में छोटा हो जाता है, जिससे कृषि आकार का क्षेत्र छोटा हो जाता है। तो जनसंख्या दबाव के कारण भी भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है और निरंतर इस ओर बढ़ रही है, पिछड़ेपन के आगे बढ़ रही है। यानी कि जैसे एक बीघा ज़मीन है तो जब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो भूमि छोटी हो जाएगी, जब भूमि छोटी हो जाएगी तो कृषि योग्य करने लायक वो नहीं रहेगी। तो ये भी जनसंख्या के दबाव के कारण भी भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट क्रम में आगे चलते हैं हम लोग, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली। अब दोषपूर्ण कृषि प्रणाली क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि व्यवस्था में कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे भारत में जो बड़े कृषक हैं या बड़े जमीन के जो मालिक हैं, वो करते क्या हैं, अपनी ज़मीनों को किराए पे दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए रेंट पे दे देते हैं। जो व्यक्ति उसको रेंट पे लेता है उसको लगता है कि मुझे एक साल दो साल कृषि करना है, कब जो है जो कृषक की ज़मीन का मालिक है कब ज़मीन को वापस ले लेगा, इसलिए वो कृषि को उपजाऊ योग्य बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जिससे उर्वरता उसकी घटती जाती है और उसमें प्रयास न करने के कारण, क्योंकि किराए पर वो व्यक्ति भूमि लिया हुआ है और ऐसे में उस भूमि पर ज़्यादा उर्वर बनाने का प्रयास वो नहीं करता। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है भारतीय कृषि के दोषपूर्ण कृषि प्रणाली के अंतर्गत। यानी जो भूमिहीन किसान हैं वो किराए की भूमि लेते हैं और उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है आपदाएँ एवं रोग। हम कितना भी अच्छा बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर लें, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदाएँ जब आती हैं तो कृषि को चौपट कर देती हैं। भारत में भी यही स्थिति है, यहाँ पे आपदाएँ जब आती हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और किसान हमारे जागरूक भी नहीं हैं, दवाओं का छिड़काव नहीं करते, कई सारे फैक्टर हैं। तो ऐसे स्थितियों में आपदाओं से निपटने के लिए कुछ हद तक तो हम कार्य कर सकते हैं, जैसे अगर कीड़े लग गए, कीटाणु लग गए, तो ऐसे स्थिति में किसानों को जागरूक करके इस कार्य को किया जा सकता है। लेकिन भारतीय कृषि के जो पिछड़पन का जो कारण है कि यहाँ पे रोगों के कारण हमारी कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कृषि की जीविकोपार्जन का साधन मानना। यानी भारतीय कृषि को जीविकोपार्जन का साधन किसान मानते हैं, उसे व्यवसायिक रूप में नहीं अपनाते। अगर व्यवसायिक रूप में अपनाते तो उसे पूंजी ज़्यादा लगाते और भारतीय कृषि जो है अच्छी कंडीशन में होती है। लेकिन यहाँ पे किसान जो है उसको जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं, उसको व्यवसाय नहीं मानते। व्यवसाय मानते तो कमर्शियल एग्रीकल्चर करते, बहुत सारे व्यवसायिक कृषि अपनाते जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन वो केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं, इसलिए भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के सारे बहुत कारण थे जिनके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। इन बिंदुओं पे आपने चर्चा किया, अगले बिंदु पे हम लोग अध्ययन करते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। इसमें दो प्रकार के सिस्टम हैं, यानी भारतीय कृषि को पिछड़ी हुई है इसको क्या क्या किया जा सकता है, कैसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे भारतीय कृषि को पिछड़ेपन से दूर किया जा सकता है। तो उन समस्याओं को अवगत करेंगे कि हम इन माध्यमों से कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय कर सकते हैं। तो नंबर एक पे है सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करके। भारत में पर्याप्त मात्रा में भूमि संसाधन है लेकिन सिंचाई के साधनों के अभाव में हम कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना है, नलकूपों का विस्तार करना है, नहरों का निर्माण करना है, नई नई परियोजनाएं निर्मित करनी है। नदियां इतनी हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में हैं, नदियों से बांध बना करके हम ऐसे कृषि योग्य भूमि को उर्वर बना सकते हैं जो बहुत सूखी हैं, जहाँ पर सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है। अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का प्रबंध करके। भारत में उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है भी तो उनके मूल्य ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो निर्धन किसान हैं उनको विशेष सब्सिडी प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से उन्नत किस्म के बीजों को उनके तक पहुँच बनाया जा सके। और जब गरीब किसानों तक उन्नत किस्म के बीजों तक पहुँच बन जाएगी तो कृषि उत्पादन अपने आप अधिक मात्रा में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं भूमि संरक्षण।
भारत में पर्याप्त मात्रा में भूमि है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। कभी जल के कटाव के कारण मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, ऊपरी सतह बह जाती है और ऐसे कंडीशन में जो उर्वरता है वो धीरे धीरे घटने लगती है। बाढ़ के कारण जो है मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, ऊपर की मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देना चाहिए, कैसे उपजाऊ बनाना है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पे मिट्टी की जांच होनी चाहिए और जो भी समस्या है उन समस्याओं से किसानों को अवगत कराना चाहिए। तो भूमि संरक्षण को वृक्षारोपण के माध्यम से, कृषि पद्धतियों को बताकर कि कौन कौन से कृषि पद्धति करें जैसे उसकी उर्वरता बनी रहे, इन सब तकनीकों के माध्यम से मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। तो इससे भी एक प्रकार का कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगला है साख सुविधाओं का विस्तार करके। भारत में वित्तीय सेवाओं के अभाव के कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। बहुत से किसानों को जो है ऐसे किसान हैं जो जागरूक भी नहीं हैं, बैंक तक पहुंच भी नहीं पाते या उन्हें आसानी से बैंक की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को विशेष सहायता राशि प्रदान किया जाए, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए जिसके माध्यम से उन्हें ऋण कम ब्याज पर दिया जाए और वो ऐसे में वित्तीय सहायता को प्राप्त करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अपना विशिष्ट योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्रम में इसी में है कृषि शिक्षा का प्रसार। व्यक्ति कोई कार्य करता है लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, कौशलयुक्त नहीं है तो किसी भी कार्य को करने में वो बेहतर तरीके से वो कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यही परिस्थिति किसानों की भी यही है। किसान जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें कोई जागरूक नहीं है कि कौन कौन से रोग लग हो जाते हैं फसलों में, किन रोगों के बचाव के लिए हमें क्या दवाएं छिड़काव करना चाहिए, कौन से दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, किस तरीके से कृषि कार्य करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कृषि शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालयों का भी प्रसार करना चाहिए। छात्र जब इस दिशा में कार्य करेंगे, वैज्ञानिक दिशा में कार्य करेंगे तो कृषि क्षेत्र में भी जो है ये समस्याओं से निजात मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों में किसानों के मध्य जाकर के शिविर लगाना चाहिए, कृषि शिक्षा का प्रसार करना चाहिए और विविध प्रकार के इस कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसी क्रम में है फसलों की रक्षा के उपाय। फसलों की रक्षा कैसे की जाएगी, जैसे जंगली पशु खा जाते हैं, रोग लग जाते हैं, टिड्डे लग जाते हैं, तो ऐसे में जानवर रोग टिड्डे और रोगों से बचाव करने के लिए किसानों को जागरूक करना चाहिए। इस दिशा में किसानों को बढ़ चढ़ करके भी कार्य करना चाहिए, रोगों से बचाव करने के लिए नई नई दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, किसानों को जागरूक भी करना चाहिए, बाहरी जानवरों से बचाने के लिए घेराबंदी करना चाहिए जैसे कृषि फसलें सुरक्षित बनी रहें। तो ये भी एक फैक्टर है, इसके माध्यम से भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्रम में है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके। भारत में पुरातन कृषि पद्धति अपनाया गया है जिसके कारण जो उत्पादन बड़ी मात्रा में नहीं हो पाता। खरपतवार बहुत ज़्यादा मिट्टी में पड़े रहते हैं, जुताई के लिए आज भी हैलों का प्रयोग किया जाता है कुछ पिछड़े क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में कृषि के जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए जिससे उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इसी क्रम में है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, पुरातन परंपरा के स्थान पर आधुनिक कृषि यंत्रों का जब प्रयोग करेंगे तो इससे भी कृषि उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी। डेढ़ इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे चकबंदी। देखें चकबंदी की आवश्यकता क्यों है। भारत में कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है, छोटे छोटे बिखरे खेत हैं और किसानों को पास जो छोटे छोटे बिखरे खेत हैं कभी इधर कुछ टुकड़े हैं कभी दूसरे तरफ हैं, ऐसे में एक साथ न होने के कारण वो कृषि कार्य नहीं कर पाते। तो इस दिशा में किसानों की बिखरी भूमि को इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली है चकबंदी। चकबंदी के माध्यम से बिखरी हुई भूमि को इकट्ठा प्रदान किया जा सकता है किसानों को और इसके माध्यम से भी कृषि योग्य भूमि को उर्वर बनाया जा सकता है। यानी बिखरी हुई भूमि को इकट्ठा करके किसानों को जब प्रदान किया जाएगा तो ऐसे स्थिति में कृषि अच्छी की जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनके कारण उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो डियर रिटर्न आज का आपने वीडियो में अध्ययन किया कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है, और सेकंड स्टेप में आपने अध्ययन किया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।